दलीप ट्रॉफी के आगाज ने बढ़ाया टीम इंडिया का सिरदर्द। बांग्लादेश सीरीज से पहले बढ़ गई कोच गंभीर की टेंशन। चार भारतीय नामों ने बनाई रोहित की राह मुश्किल। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लंबे ब्रेक के बाद टीम इंडिया 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। इस सीरीज के लिए अभी तक भारतीय दल का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि दलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन के आधार पर सेलेक्टर्स कुछ नामों पर अपना फैसला लेंगे, लेकिन अब यही टूर्नामेंट रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है। टीम इंडिया के कुछ बड़े खिलाड़ी इन दिनों दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जिनमें से पहले दिन के खेल में चार बड़े नाम फ्लॉप साबित हुए। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिहाज से दलीप ट्रॉफी काफी अहम होने वाली है, मगर पहले दिन के खेल में ही भारत के स्टार खिलाड़ियों को फेल होता देख रोहित शर्मा की भी टेंशन बढ़ गई होगी। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सरफराज अहमद से लेकर श्रेयस अय्यर तक कई खिलाड़ियों के बल्ले से रन नहीं आए। तो आइए आपको भी एक बार इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरह टेस्ट मैचों में भी यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के ओपनर के तौर पर देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने रोहित के साथ दमदार शुरुआत भी दिलाई थी, मगर दलीप ट्रॉफी के पहले दिन जायसवाल अपना रंग नहीं जमा पाए। इंडिया बी की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल इंडिया ए के खिलाफ पहली पारी में 59 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से सिर्फ 30 रन ही बना पाए। उन्हें तेज गेंदबाज खलील अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई। यशस्वी के अलावा इंडिया ए के एक और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी भारतीय फैंस को निराश किया। कार एक्सीडेंट के बाद पंत ने T20 और वनडे टीम में तो जगह बना ली है, मगर टेस्ट में उनकी वापसी अभी भी बाकी है। पंत इंडिया ए के खिलाफ 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें आकाशदीप ने पवेलियन की राह दिखाई। रोहित शर्मा और भारतीय खेमा तो यही चाहेगा कि पंत बांग्लादेश सीरीज से पहले अपनी फॉर्म में वापसी कर लें। टेस्ट टीम में वापसी करने की कोशिश कर रहे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर सके। अय्यर इंडिया डी के कप्तान हैं और वह महज 9 रन के स्कोर पर चलते बने। टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में वापसी के लिए अय्यर का दलीप ट्रॉफी में रन बनाना बेहद जरूरी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सरफराज खान भी इस दौरान फेल हो गए। सरफराज इंडिया बी का हिस्सा है और इंडिया ए के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों पर सिर्फ 9 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत की वापसी से सरफराज की जगह पर थोड़ा खतरा भी है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ टीम में जगह बनानी है तो मौके का फायदा उठाना होगा। अब इस टूर्नामेंट के पहले दोनों मुकाबले 8 सितंबर तक चलने वाले हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों के पास अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करने का मौका रहेगा।